नमस्कार, मैं उदयशंकर, न्यूज बायस्कोप में आप सबों का स्वागत है। राजधानी रांची के मोराबादी मैदान से विस्थापित फुटपाथ दुकानदारों के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने म्युनिसिपल कॉरपोरेटर को आदेश दिया कि वो 7 दिनों में दुकान लगाने की व्यवस्था कराए, लेकिन दुकान को उन्हीं को लगाने दिया जाए जिनके पास नगर निगम का कार्ड हो। नगर निगम ने 2 जगहों को चिन्हित किया है जहां दुकानें लगाने की व्यवस्था दी जा रही है। साथ ही दुकानदारों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वो नगर निगम से सहयोग करें। मामले की अगली सुनवाई अब 12 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने म्युनिसिपल कमिश्नर को डायरेक्शन दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रजेश जुड़े हुए हैं। प्रजेश, क्या कुछ कहा गया है अदालत की तरफ से इस मामले को लेकर? तो कोर्ट ने म्युनिसिपल कमिश्नर को डायरेक्शन दिया है कि आप सप्ताह भर के अंदर इनको खोंचा गुमटी सब लगाने दें। और हम लोगों को भी बोला गया कि हम लोग कोऑपरेट करेंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग अननेसेसरी का ऑब्जेक्शन करेंगे। और एक सप्ताह में ये दुकानें बंद हो जाएंगी और बाकी मामला जो है फिर 12/4 को सुनवाई होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रजेश जुड़े हुए हैं। प्रोजेक्ट से क्या कुछ कहा गया अदालत की तरफ से, और नगर निगम के किसी अधिकारी से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया मिली क्या? देखिए, हाईकोर्ट से कहा गया है कि जो भी दुकानदार है जो काफी गरीब है और उन्हें जीविकोपार्जन का एकमात्र वही साधन था, तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, एक सप्ताह का समय दिया गया है कोर्ट की तरफ से कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर को कहा गया है कि आप इन लोगों के पुनः जो दुकान लगाने की व्यवस्था की जाए। और इसके लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से 2 जगहों का चुनाव किया गया है जहां पर ये दुकान लगानी है। साथ में ये भी कहा गया है कि उन जो भी वेंडर है उनके पास कोई सर्टिफिकेट रहना चाहिए कि या कोई कार्ड नगर निगम के द्वारा अप्रूव्ड रहना चाहिए, उन्हीं लोगों को दुकान लगाने दिया जाएगा। साथ में ये भी कहा गया है कि जो वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोऑपरेट करे, क्योंकि पिछले बार भी जिस स्थान पर को समतल करके जब जो दुकान लगाने की व्यवस्था की गई थी वहां पर वे आपस में ही लड़ गए थे, क्योंकि वे कह रहे थे कि मैं सामने दुकान लगाऊंगा। इस तरह की घटना के कारण ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उन्हें दुकान नहीं लगाने दिया और वे हाईकोर्ट का रुख किए थे। उदय, बिल्कुल प्रोजेक्ट, नगर निगम की तरफ से यानी अब इन्हें कार्ड अवेलेबल कराया जाएगा और कार्ड के आधार पर इन्हें दुकानें लगाने की इजाजत दी जाएगी। क्या दुकानें लगाने के स्थल को भी चिन्हित किया गया है क्या? हाँ, 2 जगहों पर चिन्हित किया गया है जो कि मान्या पैलेस के पास है, वहां पे जो रजिस्ट्री ऑफिस है, रजिस्ट्री ऑफिस से लेकर बिजली विद्युत भवन का जो बिजली बोर्ड का वहां पे ट्रांसफार्मर है उसी बीच में एक जगह है, वहां पे लगाने के लिए कहा गया है। एक और जगह बगल में ही है मंदिर के पास, वहां पे भी कहा गया है कि यहाँ पे 2 जगहों को चिन्हित किया गया है जहाँ पे दुकान लगाने की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन साथ में इन लोगों से भी सहयोग मांगा गया है कि ये शांति व्यवस्था बनाए रखे और नगर निगम को कोऑपरेट करे जिससे कि इन लोगों की दुकान फिर से लग सके। और साथ में 12 अप्रैल को और भी जो मामले की सुनवाई है उस पे 12 अप्रैल को सुनवाई होनी है। चलिए प्रजेश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता प्रजेश जो बता रहे थे कि अदालत ने अब नगर निगम को आदेश दिया है कि 2 स्थानों पर इन्हें दुकानें लगाने की इजाजत दी जाए और दुकान वही लगा पाएंगे जिनकी तरफ से निगम की तरफ से दिया गया कार्ड मौजूद होगा। पढ़ेंगे आगे।